नमस्कार दोस्तों, इंडिया के सोच चैनल पे स्वागत है। अभी पहुंचे हैं जनपद बाराबंकी में और ये जो है अमराई जो है ग्राम पंचायत है जो कि विकास खंड सूरतगंज के अंतर्गत आती है। और मैं आज जो है जनपद बाराबंकी की गौशालाओं से रूबरू कराऊंगी जो कि यूपी की सरकार जो है लाखों रुपया खर्च करती है गौशाला ये गौ सेवा के नाम पर, लेकिन वाकई में जमीनी स्तर पर इन गायों पर कितना रुपया खर्च होता है आज हम दिखाएंगे यहाँ की रिपोर्ट पूरी। तो आइए हमारे साथ जो है और हम दिखाते हैं आपको। दादाजी क्या नाम है आपका? केसन। केसन? हाँ। कितने लोग इसमें कर्मचारी हूँ? हाँ, पांच जने हैं साहब। पांच लोग? हाँ। अच्छा, ये यहाँ के प्रधान कौन है? ब्रिजभूषण सिंह नाम। क्या नाम बताया? ब्रिजभूषण। ब्रिजभूषण ठाकुर। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा दादा ये बताइए, चलिए दिखा दीजिए, और सारे कर्मचारी कहाँ गए? चारा वारा की व्यवस्था कर रहे हैं क्या? खा गया ना साहब, अब हम मेहमान है तो खाना वाना खाने। हाँ खाना खा गए। तो यहाँ पे कोई अधिकारी वगैरह आते हैं चक्कर? बोले उसको बंद कर दीजिए, वहाँ थोड़ा बंद कर दीजिए तब तक जो है। और आइए हम दिखाते हैं अंदर कि इस गौशाला, क्योंकि हमने अभी तक आपको दिखाई है जनपद सीतापुर गौशालाओं की स्थिति, और आज हम दिखाएंगे आपको बाराबंकी में गौशालाओं की स्थिति, क्योंकि ये जो गाय है ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और इस समय अगर देखा जाए तो ठंड जो है कम है और आज जो है धूप भी निकली है, तो थोड़ा जो है जानवरों को भी राहत है और इंसानों को भी राहत है। तो आज हम दिखाएंगे कि यहाँ पे चारे वगैरह की क्या व्यवस्था है। क्योंकि गौशाला तो ये बहुत जो है, हमें लग रहा है कि गौशाला जो है बहुत बड़ा बना हुआ है, और देखते हैं कि यहाँ पे गाय वगैरह जो है अंदर से तो लग रहा है कि अच्छी स्थिति है, लेकिन अभी कहाँ नहीं जा सकता है, और अंदर चल के दिखाते हैं कि वाकई में यहाँ की स्थिति क्या है। सभी जो है गौशालाओं में देखा जाए तो जो है ताला डाल के रखा जाता है गेट में, कि कहीं कोई आए, अगर कोई अधिकारी कर्मचारी आ भी जाता है तो अचानक वो अंदर ना जा पाए, स्थिति ना देख पाए। और जाहिर सी बात है गेट बंद करके रखना चाहिए कि जानवर भी जो है भाग जाते हैं। और यहाँ से जो दादी लोग बैठी हैं जानकारी दे रही थी कि चौबे जो चारों तरफ जो गेट बनाया, ये सब बना गया, बाउंड्री बनाई गई, तार वाल लगा है, इसमें जो है झटके वाला जो है करंट है ताकि वो जो गाय है वो फांदने ना पाए, लेकिन नुकसान भी ना हो, ये भी देखना चाहिए कि इन जो है जानवरों को नुकसान भी ना हो। देखिए धूप निकली है तो कितने अच्छे से सारे जानवर जो है बैठे हैं। इन गायों को लेकर के योगी सरकार क्यों सतर्क है और क्यों काम कर रही है? क्योंकि जो अगर हम बात करें कि हिंदू धर्म में इन गायों की जो है पूजा होती है, तो वाकई में इन गायों की पूजा के साथ साथ ज़मीनी स्तर की जो हकीकत है, सबसे ज़्यादा हमारा ये जो चैनल है इंडिया की सोच आपको दिखाता है ज़मीनी स्तर से जुड़ी खबर। अगर हम बेहतर दिखाने का प्रयास करते रहते हैं तो ये देखा जा सकता है। अभी तक फिलहाल के लिए ये जो गाय है यहाँ पे एक पड़ी हुई है, थोड़ा बच के आना भाई, जानवर है और मारू ना हूँ। ये जो गाय है ये देखिए पड़ी है, हमें लग रहा है कि ठंडी की वजह से और आज धूप निकली है तो थोड़ा लग रहा है कि बीमार उमार भी है। इतना बड़ा है कि घूमते घूमते अगर हम आए हैं, और ये देखिए कि जो साइड में वहाँ पे देख सकते हैं कि जो है कौवे उसको जो है नोच रहे हैं। अब देखिए असली में हकीकत यही तो हम दिखाने का आपको प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोग जो है अगर गायों की वाकई में सेवा कर रहे हैं, वाकई में रक्षा कर रहे हैं, तो जिस तरीके से देखा जा सकता है जो मृतक गाय होती है उनको दफनाने की बजाय जो है उनको देखिए 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 चील कौवे नोच रहे हैं कि नहीं नोच रहे हैं। ये प्रधान जी का फोन भी आ गया है और मैं बात कर लेती हूँ। प्रधान जी, जी मैं गौशाला के अंदर हूँ और ये जो साइड में जो मृतक गाय हो जाती हैं, देखिए मैं इस वक्त जो है लाइव दिखा रही हूँ और आपका फोन हैंड फ्री है, और आप सच बताइएगा जो ये मृतक गाय होती है इनको मतलब दफनाया कैसे जाता है? मैडम इनको जेसीबी से नीचे दबा दिया जाता है। तो ये देखिए कि आप, मैं अगर आपको विश्वास नहीं है
तो अभी आप आ सकते हैं और देख सकते हैं कि उसको कौवे नोच रहे हैं। जरा देखिए, तो मैं इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ विकास खंड सूरतगंज की। और ये देखिए, आप देखिए आकर के प्रधान जी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप देखिए आकर के कि देखिए उसको कौवे देखिए नोच रहे हैं। ये मतलब बहुत ही बदतर हालत है। इस तरीके से प्रधान जी क्या करना चाहिए बताइए आप। ये देखिए कि जो है प्रधान जी से मैंने कहा है और वो कहे, उनका कहना है कि हम आ रहे हैं दिखवा रहे हैं। ये देखिए कि पूरे जो है हाथ किस तरीके से उनकी डेड बॉडी को इस तरीके से डाला गया है। जरा देखिए देखिए ये तस्वीरें देखिए। अभी तक आपको हमने जनपद सीतापुर की तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आज हम बाराबंकी पहुंचे हैं और मैं पूरे ऑल इंडिया में रिपोर्टिंग करूंगी। जमीनी स्तर की जो है मैं रिपोर्टिंग दिखाने का आपको प्रयास करूंगी। ये देख सकते हैं क्या, इसको देख करके हमें भी जो है उल्टी मतलब आ रही है, किस तरीके से बदबू आ रही है। लेकिन अगर हम बदबू से डरेंगे तो क्या आपको हम ऐसी हकीकतें दिखा सकते हैं? जरा आप बताइए, क्या हम ऐसी हकीकतें आपको दिखा सकते हैं? ये देखिए कि किस तरीके से पूरी डेड बॉडी जो है कौवे नोच रहे हैं। जरा देखिए कितनी शर्म की बात है, मतलब हद हो गई है। ये योगी सरकार में जरा देखिए, इनको दिखाइए, इधर दिखाइए। अगर हम ऐसी तस्वीरें आपको नहीं दिखाएंगे तो हमारे जो है उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, क्या उनको सच्चाई पता चलेगी कि हमारे जो है उत्तर प्रदेश में गायों की सुरक्षा के लेकर के किस तरीके से जो है काम किया जाता है? अब देखिए, देख करके जो है होश उड़ जा रहे होंगे। इसलिए जो है गेट में ताला पड़ा था, बड़ी जो है मशक्कत के बाद जो है गेट का ताला खोला गया है। ये जो है अमराई ग्राम पंचायत का गौशाला है, जो कि हमारे यूपी के जनपद बाराबंकी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको। देखो यहाँ किनारे इसलिए डर थे, इतना बड़ा गौशाला है। के जो काम कर रहे हैं उनके पांचों लोगों के नाम बताइए। जी यहाँ पे कर्मचारी हैं दादा, आप भी काम करते हैं? मैं हाँ करते हैं। क्या नाम है आपका? रक्षा राम। पांच लोग जो इसमें काम करते हैं, पांचों लोगों के नाम? रक्षा राम, गजोधर, भागवत, केसन, रामदेव। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को गौशाला में जो काम करने के लिए रखा गया है तो किस लिए रखा गया है? मेरा एक ही सवाल है। यही सवाल है आपका, तो मैं बता रहा हूँ। इसमें चारा खवाने के लिए, चारा छोड़ने के लिए, पानी पियाने के लिए, जो जानवर बैठे हैं उनको उठाने के लिए, वही देखभाल करने के लिए। अच्छा तो ये एक मेरा सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो गाय मृतक हो जाती है उनको आप लोग दफनाते कहाँ है? नहीं हम नहीं दफनाते। नहीं, जो भी दफनाने वाला आता है, लेकिन आप लोग सूचना देते होंगे तभी तो आता होगा। कुछ जानवर जो है बाहर जाते हैं, कुछ यहाँ जाते हैं। तो ये जो मृतक गाय ऐसे खुले में पड़ी हुई हैं, इनको गड्ढा खोद करके बाकायदा जो है दफनाया जा सके? क्योंकि आपको भी पता है कि हिंदू धर्म में गायों की पूजा होती है, पता है कि नहीं? पता है, बिल्कुल पता है ये चीज़। तो अगर पूजा होती है, आप नहीं, बात यहाँ पर सिर्फ ओनली हिंदू की नहीं, बात अगर हिंदू समाज की है, जितने भी हिंदू समाज में काम कर, वाकई में गायों की पूजा होती है कि नहीं होती? पूजा होती है। तो खास करके यहाँ के जो प्रधान है, जानकारी मिल रही, वो ठाकुर है जी, ठाकुर पंडित, और ये तो सब लोग ज्यादातर जो है गायों की कहीं पूजा होती, कहीं टीका लगाते, कहीं फूल माला पहनाते हैं, कहीं मतलब दान करते हैं। तो ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ की जो तस्वीरें देखी गई हैं, जिस तरह की हालत है, जो कौवे नोच रहे हैं, ये क्या आपको लग रहा सही है? नहीं, लग तो नहीं रहा है सही, लेकिन जैसे माने जानवर जो मरा है, तो एक जंगली जानवर न कहीं है, कुत्ता न कहीं है, चील मतलब गिद्ध न कहीं है, चिल्हार न कहीं है, तो एक कोई मतलब सफाई कैसे? बाप रे, सबसे बड़ी बात बता दी दादाजी ने, आज तक कोई ना बताया होगा। आपको लगता है कि चील कौवे को खवाना चाहिए गायों को? मतलब मरे जानवर का, मरे गायों को, जो सरकार का आदेश है, अगर गाय गौशाला की मर रही है तो उसको बाकायदा गड्ढा खोद दिया जाए और जेसीबी से और उसको जो है मिट्टी पाट दिया जाए, ताकि उन्हें जो है चील कौवे ना खा पाए। नहीं तो यह चीज हमको जानकारी नहीं है। तो यहाँ के प्रधान नहीं बताते आपको कि जो उन्हें गड्ढा खोद कर जो उन्हें मुंदा जाए? पहली बार जान रहे हैं आपके गड्ढा खोद कर, गड्ढे
खुदा है और कुछ ऐसे पड़ी है। अगर वो बदबू देंगी, स्मेल आएगी तो पास में गांव है, आप लोग काम करते हैं, आपको बीमारी होगी कि नहीं होगी बताइए दादा, आप लोग बीमार होंगे कि नहीं होंगे है? आप लोग बीमार होंगे जो इस गांव में रहते हैं, आप तो देख ही रहे थे कि जो कोरोना काल से लोग बीमार होते हैं, तो ये कोरोना कहा जो इन्फेक्शन है, जो बीमारियां जो फैलेंगी, हवा चलेगी, गांव में बीमारियां पहुंचेंगी, तो बताइए बीमार होंगे आप लोग कि नहीं होंगे, कौन कराएगा आप लोगों की दवा, जरा बताइए 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 दादाजी बताइए, कौन दवा कराएगा आप लोगों की अगर आप बीमार हो जाएंगे तो बताइए बताइए, मैं जवाब चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा अगर कोई बीमार होता है तो आप लोग डॉक्टर की सूचना देते हैं, प्रधान को सूचना देते हैं, और प्रधान कब कब आते हैं यहाँ पे बताइए, प्रधान डेली आते हैं, डेली तो क्या उनको उन जो तस्वीरों को डॉक्टर प्रधान प्रधान भी डेली आते हैं, प्रधान ने देखा नहीं उन तस्वीरों को, हो सका तो इसी के देखे हुए, ये जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, और जो कि यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, विकास खंड जो सूरतगंज के जो विकास खंड अधिकारी हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, जरा देखिए कि अभी तक इस गौशाला में ये नहीं पता है कि गायों को जो है दफनाया जाता है या चील कौवे खाने के लिए जो है उसे छोड़ दिया जाता है, अब बताइए, और मैं इंतजार करती हूँ कि यहाँ के प्रधान अभी आ रहे हैं।